आज नगर निगम फिरोजाबाद द्वारा घर घर संग्रहण परियोजना का आयोजन किया गया। इस परियोजना को पूर्ण रूप से धरातल पर उतारने के लिए लाइन सर्विसेज लिमिटेड को इसका टेंडर दिया गया। इस परियोजना की शुरुआत मेयर नूतन राठौर और कंपनी के सीईओ सुनील सिंह द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य घर घर से कूड़े को इकट्ठा करना और कचरा घर तक पहुंचाना है, जिससे हमारा फिरोजाबाद स्वच्छ रहे, स्वच्छ भारत मिशन ये चलता ही रहेगा और फिरोजाबाद की जनता को इधर उधर कूड़ा नहीं फेंकना पड़े। साथ ही समारोह में सभी नगर निगम पार्षद उपस्थित रहे। नगर निगम फिरोजाबाद में जो नगर निगम का काम है स्वच्छता के प्रति, पिछले 4 वर्षों में आप देखते हैं कि लगातार हमारा जो पूरा सदन है, माननीय पार्षदगण है, अधिकारीगण है, सभी संकल्पित हैं कि किस तरह से हम अपने शहर को साफ और सुंदर बनाएं। उसी कड़ी में आज नगर निगम फिरोजाबाद में घर घर से कूड़ा उठाने के लिए जो कंपनी है लाइन कंपनी, उनके द्वारा शहर में घर घर से कूड़ा उठाने का काम शुरू किया गया है और इसको हम चरणबद्ध तरीके से कर रहे हैं। प्रथम चरण में जब हमने शुभारम्भ किया था तो 15 वार्डों में गाड़ियां निकली थी घर घर से कूड़ा इकट्ठे करने के लिए। फिर द्वितीय चरण में कुछ गाड़ियां निकली और आज तृतीय चरण में हमने 16 गाड़ियां नगर निगम फिरोजाबाद के विभिन्न वार्डों में भेजी हैं। तो इस तरह से नगर निगम का पूरा प्रयास है कि हम सभी मिलकर पूरे शहर से जो 70 वार्ड है हमारे, उनमें डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए जो गाड़ियां लगी हैं उनको भेज कर घर घर से कूड़ा उठवाएं और शहर को स्वच्छ बनाने में एक अहम कदम, एक अहम भूमिका जो नगर निगम के माननीय पार्षदगण अधिकारीगणों के द्वारा जो निभाई जा रही है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, ऐसी मुझे आशा है। और स्वच्छ सर्वेक्षण जो अभी हमारा चल रहा है उसमें हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से अपने फिरोजाबाद को नंबर 1 रखें। मैम कितना चार्ज फिक्स किया गया है प्रत्येक घर से? देखिए घर से जो चार्ज है वो 30 रुपए ही रहेगा, जो पूर्व में भी था और जो व्यावसायिक जो हमारे प्रतिष्ठान है। मेरा नाम सुनील सिंह है। आज फिरोजाबाद में नगर निगम के तहत घर घर से कचरा उठाने की जो परियोजना है जिसको पूरे शहर के 70 वार्ड्स में लागू किया जाना है, आज उसका शुभारंभ किया गया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ की युवा मेयर मैडम को, साथ ही साथ यहाँ के सारे पार्षदों को जिन्होंने भारी संख्या में भागीदारी करके हमें ये संदेश दिया है कि आने वाले समय में वो कंपनी के साथ खड़े हैं और अगर हम अच्छा काम करके दिखाते हैं शहर के लिए तो आने वाले समय में फिरोजाबाद में हमारे और उनके सहयोग से तस्वीरें बहुत बदली हुई निश्चित रूप से नजर आने वाली है। इस कंपनी में जो कर्मचारी रहेंगे कंपनी के रहेंगे या नगर निगम के रहेंगे? इस तरीके की परियोजनाओं की एक खास शासन के द्वारा निर्देश दिया गया है कि किसी भी हालत में जिस प्रोजेक्ट का भी काम होगा उस शहर के लोगों का ही प्रयोग किया जाएगा। इसी क्रम में यहाँ पे जो सारे का सारा कर्मचारी है वो वही होगा जो नगर निगम या किसी परियोजना के साथ पहले से जुड़ा हुआ है। केवल उसकी जो सुविधाएं हैं, जो उसकी मूलभूत तनख्वाह है, पीएफ है, ईएसआई है, ये ज़रूर उसको आने वाले समय में फ़ायदा होने वाला है। बिकॉज आप समझते हैं कि एक प्राइवेट कंपनी में काम करने के नाते उसका यूनिफॉर्म, उसका प्रोटेक्टिव गियर, इस कोविड महामारी के टाइम में ये सब चीज़ें बड़ी जरूरी हैं। तो यस, सारे के सारे लोग नगर निगम फिरोजाबाद के जो पुराने कार्य चल रहे थे उन्हीं के माध्यम से उनको आगे बढ़ाने का काम किया।